तो गाइस यहाँ पर आप लोग देखो मेरे हाथ में यहाँ पर आपको एक वीवो का फ़ोन दिख रहा है गाइस, और ये फ़ोन नया है गाइस, ये पानी में गिर गया गाइस। पानी में गिर जाने के कारण गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ चुकी है। यहाँ पर देखो हेडफोन जैक लगा, आपको पास से दिखाता हूँ गाइस, ठीक है। यहाँ पर देखो हेडफोन जैक लगा गाइस, ये फ़ोन पानी में गिरा है, मगर गाइस ये खुशी की बात है, देखो गाइस ये वाटरप्रूफ नहीं है, फिर भी यहाँ पर ये पानी को झेल गया गाइस। मगर इसमें एक ही प्रॉब्लम आई है गाइस, यहाँ पर जो हेडफोन जैक लग गया है, मैं आपको इसका मॉडल दिखा देना चाहता हूँ, क्योंकि गाइस यहाँ पर थोड़ा कभी कभी हो जाएगा, वीडियो को कट भी कर दूंगा। तो यहाँ पर देखो हम लोग सेटिंग में जाएंगे, तो आप लोग ये मत सोचना कारण भाई तुमने वीडियो को कट क्यों किया, तो आप लोगों के सामने यहाँ पर बनाकर दिखाऊंगा। कोई भी फ़ोन हो, चाहे कीपैड हो, चाहे टच वाला हो, उसमें गाइस जैसे एयरफोन लग जाए तो आप लोग कैसे हटाओगे। यहाँ पर देखो अबाउट फोन में हम लोग आ चुके हैं, ये मॉडल कौन सा है, वीवो Y16 है। आप लोग यहाँ पर देख लो, वीवो Y16 ये फ़ोन है गाइस, ठीक है। आप लोगों को मैंने दिखा दिया, अब यहाँ से हम लोग बैक करेंगे पूरा। बैक कर देने के बाद अब यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को इसे ऑफ कर देना है, तो यहाँ पर हम लोग इसे सबसे पहले स्विच ऑफ करेंगे गाइस। यहाँ पर देखो ये पावर ऑफ है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पर देखो हमारा सेट ऑफ हो रहा गाइस, ठीक है। तो आपके पास कोई भी फ़ोन आता है गाइस, जैसे उसमें एयरफोन लग जाए तो आप लोग कैसे बनाओगे, आप लोगों के सामने बनाकर दिखाने वाला हूँ गाइस। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसका सिम ट्रे निकाल लेंगे गाइस, और गाइस यहाँ पर देखो जितने भी आप फ़ोन आते हैं सी टाइप में आते हैं, मतलब टाइप सी पे आते हैं, और गाइस यहाँ पर एक दिक्कत रहती है, जो इसका बैक पैनल होता है, सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को हीटिंग करना होता है। और गाइस ये नया फ़ोन है, ये फर्स्ट बार खुलने जा रहा है गाइस, ठीक है। तो आप लोगों के सामने यहाँ पर मैं इसे बनाकर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने SMD मशीन स्टार्ट कर दिया गाइस, क्योंकि SMD मशीन की मदद से हम लोग यहाँ पर इसके चारों कोनर पर हीट मारेंगे, जो यहाँ पर ग्लू इसमें लगा हो वो पिघल जाएगा, ये आसानी के साथ खुल जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखना, ठीक है गाइस। तो आप लोगों के सामने यहाँ पर मैं इसे बनाकर दिखाऊंगा। और गाइस यहाँ पर देखो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये गाइस जो ग्लास आते हैं ना ब्लैक वाले, उनका है गाइस ये कबाड़ है, या आप लोग कोई भी नकली सामान ले सकते हो। और यहाँ पर गाइस आपको अपनी SMD मशीन हीट कर लेना अच्छी तरह से, या गाइस आप लोग यहाँ पर सेपरेटर मशीन का भी यूज कर सकते हो हीटिंग के लिए। तो यहाँ पर मैं SMD मशीन यूज कर रहा हूँ, वीडियो को कुछ भी कट नहीं करूँगा। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे और मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ भी सीखने को मिले, तो गाइस तभी आप लोग भाई की चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कमेंट जरूर कर देना, और जो बेल आइकन घंटी होती है उसे भी आपको ऑल पे टिक कर देना, क्योंकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गाइस यहाँ पर देखो ऐसे करके आप लोगों को हीट मारना है यहाँ पर, ठीक है। हम लोग इसका बैक पैनल खोलेंगे ऐसे करके, आपको ज़्यादा हीट नहीं मारना, आप लोग ध्यान रखना गाइस, ठीक है। क्योंकि ये जो बैक पैनल होता है बहुत ही नाजुक होता है, जितने भी फोन आते हैं सभी पे बैक पैनल इसी प्रकार लगा रहता है, आप लोगों को सबसे पहले बैक पैनल को खोलना होगा गाइस। ऐसे करके आप लोगों को हीट मार देना, ये आसानी के साथ खुल जाएगी गाइस। वीडियो को मैं कुछ भी कट नहीं करूंगा, आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप लोग ये वीडियो को कट मत करना गाइस। जो भाई मोबाइल रिपेयरिंग घर पे सीख रहे हो, खुद से सीख रहे हो, तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो में आए हो, आपको इस प्रकार की वीडियो सारे यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगी गाइस। यहाँ पर देखो मैंने इसे हीट कर दिया, अब यहाँ पर गाइस आप लोगों को SMD मशीन ऑफ कर देना, अब गाइस यहाँ पर आप लोगों को इसका बैक पैनल खोलना है गाइस। देखो तो आप लोगों को इसे किसी एक जगह से ऐसे करके अंदर डालना है गाइस, किसी एक जगह से, और आप लोगों को अच्छी तरह से हीटिंग कर लेना है गाइस, भी आप लोग डाल सकते हो ऐसे करके, ठीक है गाइस। ना हीट हो तो आप लोग एक बार नहीं तीन बार हीट करना गाइस, जो बैक पैनल होता है थोड़ा डैमेज भी हो सकता है, तो आप लोग यार सावधानी का ध्यान देते हुए खोलना। तो गाइस यहाँ पर देखो अभी कम हीट है, फिर से हम लोग यहाँ पर हीट करेंगे, क्योंकि ये जब तक हीट नहीं रहेगा तब तक ही इसका बैक पैनल खुलेगा नहीं गाइस। तो गाइस यहाँ पर मैं दोबारा से हीट कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, या आप लोग यहाँ पर देखो चिमटी का भी यूज कर सकते हो गाइस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो ये जब अंदर नहीं जाएगा यहाँ पे बैक पैनल के, तो हम लोग चिमटी के नुकीली की मदद से ऐसे करके यहाँ पर इसे थोड़ा उठाएंगे, थोड़ा उठाना है बस गाइस, ज़्यादा नहीं, और ऐसे करके हम लोग थोड़ा थोड़ा हीट मारेंगे, और ऐसे करके अपनी SMD मशीन आपको घुमाते रहना है, एक जगह पर रोक के नहीं रखना है गाइस। थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, बस इतना होगा गाइस। गाइस यहाँ पर मैंने दोबारा से हीट कर दिया, फिर से हम लोग ऑफ करेंगे, अब यहाँ पर देखो थोड़ा हम लोग ऐसे करके चिमटी की मदद से उठाएंगे, थोड़ा थोड़ा जगह बनाएंगे बस गाइस, ये देखो जगह बन गई, ऐसे करके आप लोगों को जगह थोड़ा बनाना है बस गाइस, ये खुल जाएगा इसका, ये देखो ऐसे करके। अब यहाँ पर आप लोग इसे डालिए थोड़ा ऐसे करके, या आप लोग नाखून का भी यूज कर सकते हो गाइस, ये देखो
ये देखो मैंने इसे डाल दिया। अब गाइस यहाँ पर हम लोग ऐसे करके इसे खोलेंगे आसानी के साथ गाइस आप लोग करना, ठीक है, क्योंकि बड़ा ही नाजुक होता है इसका जो बैक पैनल होता है। आपको लगे यहाँ पे अभी कम गर्म है तो गाइस आप लोग दोबारा से तिवारा से हीट कर लेना। और यहाँ पर देखो जो फिंगरप्रिंट रहता है साइड वाला, इसे भी आप लोगों को आसानी के साथ यहाँ पर करना है गाइस, इसका जो पत्थर है कटे ना गाइस ऐसे करके। यही प्रॉब्लम होती है, अब जितने भी फ़ोन आते हैं कैसे इसी प्रकार खुलते हैं। आप लोगों को खोलना आ जाएगा तो आप लोग तुरंत फ़ोन को बना लोगे, जब तक आप लोग फ़ोन को खोल नहीं पाओगे तो गाइस आप लोग नहीं फ़ोन को बना सकते हो। यहाँ पर देखो ये देखो गाइस ये खुल चुका है, इस प्रकार आपको करना है। ओके गाइस वैसे करके आप लोगों इसे उठा लेना। देखो गाइस यहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो से दो चीज़ सीखने को मिल गई। पहली बात तो कोई भी फ़ोन आता है आप लोग उसे खोलोगे कैसे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे करके यहाँ पर खोलने लगते हैं, ऐसे नहीं खुलेंगे। अब जितने भी फ़ोन आते हैं गाइस इसी प्रकार खुलेंगे। सबसे पहले आप लोगों को ये बैक पैनल खोलना होगा, उसके बाद यहाँ पर सारे स्क्रू को खोलना होगा, फिर गाइस यहाँ पर हम लोग इसे मदरबोर्ड निकाल पाएंगे। तो गाइस यहाँ पर सारे स्क्रू को फटाफट खोलता हूँ, तो वीडियो को कुछ भी कट नहीं करूँगा, आपको मॉडल भी दिखाऊँगा, अभी भी दिखाऊँगा, ठीक है गाइस। तो आप लोग ये वीडियो में बने रहो गाइस। तो फटाफट हम लोग यहाँ पर सारे स्क्रू पहले खोल लेंगे ऐसे करके जल्दी जल्दी, थोड़ा वीडियो के यहाँ पर स्पीड इसकी बढ़ा दूंगा, फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा गाइस। और आप लोगों को अच्छी तरह सारे स्क्रू को खोल लेना है गाइस। यहाँ पर देखो मैंने सारे स्क्रू को खोल लिया है, अब यहाँ पर हम लोग ऐसे करेंगे और इसका सबसे पहले यहाँ पर जो फिंगर वाला पत्ता है इसे हम लोग ऐसे करके निकालेंगे। ये देखो मैंने निकाल दिया, अब यहाँ पर हम लोग इसका रिंगर वाला यहाँ पर ये निकालेंगे, क्योंकि गाइस ये प्रॉब्लम यहीं से आती है। देखो पहले तो यहाँ पर हम लोग पहले स्टेप में बढ़ेंगे, सही हो जाएगा तो ठीक है, नहीं सही होगा तो गाइस यहाँ पर हम लोग दूसरे स्टेप में बढ़ेंगे। तो सब कुछ आपको बताने वाला हूँ, आप लोग ये वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हम लोग इसके स्क्रू यहाँ पे खोलेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पर देखो मैंने खोल दिया, अब गाइस यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ये कनेक्टर को निकालना है, ये ऐसे करके सबसे पहले आपको कनेक्टर को निकाल देना और सेट को आपको ऑफ कर देना है, ये बैटरी कनेक्टर भी आपको निकाल देना सबसे पहले स्टेप में, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर आपको करना क्या होगा, ये जो यहाँ पर नेटवर्क वाला वायर लगा इसे भी आप लोगों को निकाल देना, अभी इसे आप लोगों को पूरा निकाल लेना गाइस, इसे आपको पूरा यहाँ पर बाहर करना गाइस यहाँ से। और आप लोगों को देख लेना है ये जो यहाँ पीसीबी लगी इस पर कोई स्क्रू तो नहीं लगा है, तो यहीं से प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले पे आपको यही काम करना है जैसे मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ गाइस, ठीक। तो आसानी के साथ आप लोगों को इसे निकालना है गाइस, ये मैंने यहाँ पे निकाल लिया गाइस, ठीक है, आपको भी निकाल लेना है। अब गाइस यहाँ पर आप लोगों को देखना है इसमें पानी वानी तो नहीं गया, देखो आपको पास से दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको नोटिस करना है इसमें पानी तो नहीं गया। देखो गाइस ये देखो इसमें पानी दिख रहा ना, देखो ये जो पीसीबी है यहाँ पर देखो, आपको और पास से दिखाता हूँ गाइस आपको दिखे, थोड़ा हम लोग यहाँ पर जूम करेंगे, यहाँ पर देखो मैंने जूम कर दिया, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा देखो इसमें पानी गया, देखो यहाँ पर हरा हरा दिख रहा ना गाइस, ये देखो यह यहाँ पे देखो यहाँ पे। अब यहाँ पर आपको पेट्रोल की मदद से एथिनल की मदद से आप लोगों को इसे साफ कर लेना गाइस, ठीक। पहले स्टेप में आपको बढ़ना है गाइस, ओके यहाँ पर चलो गाइस हम लोग इसे साफ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जूम कर लिया, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर मैं पेट्रोल का यूज़ करूँगा गाइस, आप लोग थिनल का भी यूज़ कर सकते हो गाइस, मैंने वीडियो को कुछ भी कट नहीं किया, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर देखो ये ऐसे करके हम लोग पेट्रोल डालेंगे, आप लोग थिनल का भी यूज़ कर सकते हो गाइस, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसे करके। ये ऐसे करके आप लोगों को पीसीबी को क्लीन कर देना ऐसे करके, ओके गाइस। यहाँ पर इतना काम आप लोगों को करना है, फिर से आप लोगों को सेट को ऑन करके देखना है, ये ऐसे हम लोग निकाल देंगे, रबड़ है कोई भी दिक्कत नहीं इससे। ये देखो गाइस अब एक बार हम लोग असेंबली मशीन स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर एयर इसकी मतलब ज़्यादा कर देंगे, असेंबली मशीन की हीटिंग कम कर देंगे, यहाँ पर हम लोग हीट मार देंगे थोड़ा, ये जो हमारा यहाँ पर पेट्रोल लगा सूख जाएगा इस आसानी के साथ ऐसे करके ऐसे। इतना काम आप लोगों को कर देना है, यहाँ पर देखो हम लोगों ने कर दिया, अब गाइस इसे हम लोग लगाएंगे यहाँ पर और जूम आउट में कर लेता हूँ, ये मैंने जूम आउट कर दिया है। अब यहाँ पर लगा कर देखेंगे इसमें जो यहाँ पे हेडफोन जैक लगा था वो हटा है नहीं, नहीं हटेगा तो गाइस हम लोग दूसरे स्टेप में बढ़ेंगे। देखो हट जाएगा फिर भी यहाँ पर मैं सारा स्टेप आपको बताने वाला हूँ। ये पानी जाने के कारण गाइस प्रॉब्लम आती है, कभी कभी पानी भी नहीं जाता तब भी ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो हो जाता है गाइस मैं आपको बताऊँगा। मान लो ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कैसे बनाओगे, सबसे पहले हम लोग ये कनेक्टर को यहाँ पर लगाएंगे अच्छी तरह से, आपको लगाना है, आपको जल्दबाजी का काम नहीं करना गाइस, आप लोग ध्यान रखना जो भी काम करो आप लोग सावधानी के ध्यान देकर करो गाइस। ये देखो यहाँ पर ये मैं पीसीबी में कनेक्टर लगा रहा हूँ, अब यहाँ पर हम लोग नेटवर्क वाली केबल लगाएंगे ऐसे करके, आपको लगा देना जैसे लगी रहे गाइस। तो
तो ये पहले हम लोगों के कनेक्टर निकालना पड़ेगा गाइस, तभी बनेगा, क्योंकि कनेक्टर यहाँ पे नीचे से आएगा। देखो ये ऐसे करके, ओके गाइस यहाँ पर देखो ये लग गया है। आप लोगों को इसे ज़रूर लगाना गाइस, या फ़ोन पर नेटवर्क नहीं आएगा। लगा देने के बाद अब गाइस यहाँ पर हम लोग एक बार इसे चेक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोग ये बैटरी कनेक्टर लगाएंगे, मैंने बैटरी कनेक्टर लगा दिया। अभी हम लोग पावर की को प्रेस करेंगे गाइस, ये मैंने पावर की को प्रेस किया, सेट को ऑन करेंगे। गाइस यहाँ पर देखो हमारा सेट ऑन हो चुका है। अभी आपको मैं मॉडल फिर से दिखा दूंगा, ठीक है गाइस। देखते हैं इसमें हेडफोन जैक हटा या नहीं गाइस। और यहाँ पर ये रिंगर हम लोग लगा देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं गाइस। अभी यहाँ पर देखो बॉडी को मैं कस नहीं रहा हूँ गाइस, वीडियो को कुछ भी मैंने कट नहीं किया है। ये यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, स्क्रू तो नहीं लगा। ये देखो स्क्रू लगे, आप लोग ज़रूर देख लेना, ये कस तो नहीं गाइस। ओके गाइस तो यहाँ पर देखो ये ऑन हो रहा है। तो अभी हम लोग इसे नहीं लगाएंगे, क्योंकि गाइस देखते इसमें हेडफोन जैक लगा था, हटा या नहीं। तो यहाँ पर देखो हमारा सेट तो ऑन हो चुका है, अभी हम लोग इसका लॉक खोलेंगे। और गाइस इसमें आप लोग यहाँ पर देख लो, हेडफोन जैक यहाँ पे हट चुका है लगभग गाइस, आप लोगों के सामने है। यहाँ पर देखो गाइस इसमें हेडफोन जैक अब नहीं लगा गाइस, देखो रिमूव हो चुका है। तो इस प्रकार गाइस आपको करना है, क्योंकि गाइस यहाँ पर देखो वाटर जाने का नहीं, ये प्रॉब्लम आती है। आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये वही फ़ोन है गाइस। देखो हम लोग सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर हम लोग अबाउट फ़ोन में आएंगे। यहाँ पर अब आप लोग देख लो वीवो Y16, ये वही फ़ोन है गाइस। यहाँ पर आप लोग देख लो, मैंने वीडियो को कुछ भी कट नहीं किया। अभी देखो गाइस यहाँ पर मैंने फ़ोन को पैक भी नहीं किया है। गाइस यहाँ पर आप लोग देख लो, इस फ़ोन से तो यार हेडफोन जैक हट चुका है गाइस, मैंने आपको लाइव दिखा दिया गाइस। अभी भी आप लोग देख लो इसमें हेडफोन जैक नहीं लगा गाइस, ठीक है। अब मान लो फिर भी नहीं हट रहा, तो आपको करना क्या होगा गाइस। देखो मैंने वीडियो बहुत सारी बनाया गाइस, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके देख लेना। जैसे आपके पास हेडफोन जैक लगा है, पानी में फ़ोन नहीं गया है, फिर भी नहीं हट रहा, तो गाइस आप लोग कैसे बनाओगे, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस, आप लोग जाके देख लेना। यहाँ पर भी आपको बता देना चाहता हूँ, देखो गाइस आपको बैटरी कनेक्टर के प्लस वाले पॉइंट से एक जंपर लेना, बड़ा जंपर लेना। बैटरी कनेक्टर के प्लस वाले पॉइंट से एक जंपर लेना, बड़ा जंपर। जहाँ पर हेडफोन जैक लगा रहता है वहाँ पर 6 पॉइंट या 5 पॉइंट रहते हैं गाइस, आपको माइनस वालों को छोड़ देना। जो पॉइंट माइनस का हो हेडफोन जैक का, तो आप लोगों को माइनस का पॉइंट छोड़ देना। और जो जितने भी पॉइंट प्लस के बचे, तो आप लोगों को जो जंपर आप लोग एक बार लाओगे बैटरी के प्लस वाले पॉइंट से, तो एक सिरा बचेगा जंपर वाला। तो आप लोगों को 5 पॉइंट जितने भी पॉइंट हो प्लस वाले पे आपको टच करके देख लेना, हट जाए तो ठीक, दूसरे पॉइंट पे टच करना हट जाए तो ठीक, ना हटे तो आप लोग इसी प्रकार हर एक पॉइंट पे टच करके देख लेना। मगर गाइस आपको माइनस वाले पॉइंट पे टच नहीं करना है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, माइनस वाले पॉइंट पे आपको नहीं टच करना गाइस। गाइस हम लोग हेडफोन जैक हटाते हैं, पहली बार तो गाइस ये पहले स्टेप में सही हो जाएगा आप लोगों के सामने। यहाँ पर देखो सही हो चुका, क्योंकि गाइस ये जो टच वाले फोन आते हैं इनमें हेडफोन जैक जल्दी से नहीं लगता गाइस, जब पानी जाता तभी लगता है। प्लीज़ गाइस अब आप लोग भाई के चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल में इसी प्रकार की वीडियो हरदम देखने को मिलते रहेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग अपना ख्याल रखना, बाय।